चलिए पहली ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए गेंदबाज अमोल सामना करेंगे। मेहताब का बाहरी किनारा, विजय वहां पर मौजूद, मिस फील्डिंग हो रही हुई लगातार, एक रन। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। इस बार पटकी हुई गेंद पुल करना चाहते थे, गेंद और बल्ले कोई संपर्क नहीं, गेंद तेजी से उछाल लेती हुई सीधा कीपर योगेश के दस्ताने में जाकर समाई। पहली गेंद पर बाहरी किनारा लगा था, मौका बनाया था मगर कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं थे। गली की दिशा में गेंद गिरी, उसके बाद एक रन मिला, दूसरी गेंद डॉट। अमोल फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार पुल कर दिया है स्क्वायर लेके खिलाड़ी के सर के ऊपर से, पहला चौका इस इनिंग का, टीम रजा 11 के लिए आता हुआ मेहताब के बल्ले से, मोहम्मद अली के बल्ले से। मोहम्मद अली और मेहताब की ये जोड़ी मैदान के बीच, अली के लिए अगली गेंद अमोल लेकर। इस मरतबा फिर से एक बार पुल कर दिया है, वाह व्हाट अ शॉट, एक और चौका आता हुआ। लगातार दो गेंदों में दो चक्के जड़ दिए हैं यहां पर, दो में दो ठोक डाले चौके, दो गेंदों में दो चौके यहां पर आते हुए बल्लेबाज अली के बल्ले से। अमोल ने शुरुआती दो गेंदें अच्छी की थी, उसके बाद लगातार पटकी हुई गेंदों को यहाँ पर सीमा रेखा के बाहर भेजा बल्लेबाज मोहम्मद अली ने। अगली गेंद अमोल की, इस मरतबा फॉलोअर में अच्छी फील्डिंग, डॉट गेंद। रन संख्या की बात की जाए तो अभी भी पहले ओवर की आखिरी गेंद शेष, स्कोर हुआ है 9 रन। मुकाबले में टाइम पास न करें, सभी से टीमों से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपनी ओवरें कंप्लेंट करें। अगली गेंद अमोल, आखिरी गेंद सामना करेंगे मोहम्मद, जड़ में डाली हुई गेंद, अच्छी गेंदबाजी। मानो अमोल की गेंदबाजी देखकर हमें सोहिल तनवीर की याद आ गई, उसी तरह की गेंदबाजी एक्शन है अमोल का। इसी के साथ पहले ओवर का खेल खत्म होता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 9 रन। चलिए दूसरी ओवर फास्ट, टीम के लिए दूसरे ओवर लेकर आ रहे हैं विजय, सामना करेंगे यहाँ पर मेहताब। पहले ओवर में 9 रन आए, बार फुल टॉस गेंद खेल दिया है यहाँ पर लॉन्ग रन की दिशा में, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन आएगा इस गेंद पर। विजय अगली गेंद लेकर, इस बार फिर से एक बार ब्लॉक होल में डाले गेंद को मोहम्मद अली ने खेल दिया स्क्वायर लेग, इसका मिड विकेट की दिशा में, एक रन आता हुआ। विजय अगली गेंद लेकर फिर से एक बार, इस बार अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद आती है इस ओवर में। फिर से एक बार विजय अगली गेंद लेकर,
इस बार एक और शॉर्ट पिच गेंद डाली हुई थी, खेल दिया है अपर लॉन्ग ऑन की दिशा में। इस गेंद पर भी केवल एक ही रन मिलेगा, सीधा ऑन द स्टंप थ्रो पे योगेश के पास। अभी भी ओवर की दो गेंदें शेष, काफ़ी अच्छा ओवर रेट यहाँ पर टीम मंत्रपाड़ा की ओर से दिखाई देता हुआ। फिर से एक बार विजय ओवर की अगली गेंद लेकर सामना करेंगे अली। इस बार तान दिया है, इस बार बढ़िया संपर्क, गेंद जाती हुई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, मोहम्मद अली के बल्ले से आता हुआ ये लंबा छक्का। अगली गेंद लेकर विजय, इस मरतबा अच्छी गेंद, कमबैक गेंद, इसके साथ देखिए अंपायर ने वहां पर ओवर डिक्लेयर कर दी गई, अंपायर ने वहां पर ओवर घोषित कर दी कि दूसरी ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इसके साथ दो ओवर की समाप्ति या खेल खत्म होता हुआ, दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है यहाँ पर टीम 18 रन। चलिए जल्द से जल्द मुकाबला शुरू करें टीम फील्डिंग टीम वांद्रापाड़ा टीम। लगातार तीन गेंदें डॉट फेंकते हुए अमोल, क्या गेंदबाजी चल रही है अमोल ने। पावर प्ले के पहले ओवर में भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, इस मरतबा भी बल्लेबाज महताब को पूरी तरह से जकड़ कर रखा है। अभी भी मोहम्मद नौशाद जैसे बल्लेबाज मौजूद है यहाँ पर टीम रजा इलेवन के खेमे में। फिर से एक बार अमोल, इस मरतबा एक और अच्छी गेंद, लगातार चौथी गेंद डॉट, क्या ही यहाँ से अच्छी गेंदबाजी हो रही है, क्या रफ्तार है, क्या नियंत्रण है, काफी अनुशासित गेंदबाजी, बल्लेबाज और बल्लेबाज के गेंद से कोई संपर्क नहीं, यहाँ पर खेल केवल कीपर और गेंदबाज के बीच चलता हुआ। लगातार चार गेंदें डॉट, स्कोर अभी भी 18 रन के स्कोर पर रुका हुआ। क्या यहाँ गलती कर बैठे हैं मोहम्मद नौशाद और अल्फाज जैसे बल्लेबाज, अभी भी जब रजा इलेवन के खेमे मौजूद है, क्या मेहताब और मोहम्मद अली को भेजकर यहाँ पर गलती कर दी है। और इस मरतबा एक और अच्छी गेंद, लगातार पांचवी गेंद डॉट, इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर अमोल तो मेहताब। एक और गेंद हवा में, भावेश क्या गेंद के ऊपर पहुंच पाएंगे, दूसरा रन लेने का प्रयास और दो रन पूरे, इसके साथ तीन ओवरों का खेल खत्म होता हुआ। तीन ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा टीम रजा इलेवन का 20 रन बिना विकेट के नुकसान पर। डीजे
योगेश की अगेन खराब फील्डिंग सोनू द्वारा, जहां रन नहीं बन रहे थे वहां मिस फील्डिंग के द्वारा ये 4 रन दिए। इस बार पुल कर दिया है, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे अमोल भागते हुए, देखना होगा दूसरा लेंगे या नहीं। और ये अंपायर 1 रन शॉट, अंपायर जी 1 रन शॉट, यहां पर 1 ही रन मिलेगा इस गेंद पर। इस बार अच्छी शॉट खेल दिया है वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 ही रन। यहां पर देखिए भाग 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 का इशारा यहां पर किया जा रहा है यहां पर पेविलियन से, मगर वहां पर जो खिलाड़ी है वो वहां पर पूरी ओवर खेलना चाहते हैं। यहां पर से पेविलियन से लोग चाह रहे हैं कि वो बल्लेबाज यहां पर रनआउट में अपना विकेट गंवाए, मगर बल्लेबाज भी ठान कर रखा है कि हमें यहाँ पर पूरी ओवर खेलना है। अगले गेंद योगेश सामना करेंगे मेहताब, फुल टॉस गेंद खेल दिया है यहां पर। और इस गेंद पर 3 रन, इसी के साथ 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 29 रन, 4 ओवर 29 रन। मैं खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा कि बाहर से आवाज ना दे, पानी की सुविधा करें। Thank you.
विजय आए हैं यहाँ पर गेंदबाजी के लिए। स्कोर हुआ है 4 ओवर के समाप्ति पर 29-29। कोई सफलता नहीं अब तक टीम वांद्रपाड़ा के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वांद्रपाड़ा खिलाड़ी विकेट भी नहीं लेना चाहते। इस बार तान दिया है, गेंद जाती हुई तारामंडल में सीधा मिड ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। जिस खिलाड़ी का यहाँ पर विकेट चाहते थे रजा 11 के खिलाड़ी, उस खिलाड़ी ने यहाँ पर दिखा दिया है कि तुम मुझे बाहर नहीं बुला सकते, मैं यहाँ पर बल्ले से अपना जोर दिखाने आया हूँ। काफी समय के बाद यहाँ पर करीम बाबा के चेहरे पर खुशी। विजय की अगली गेंद सामना करेंगे मेहताब। इस बार एक और शॉट तान दिया है, क्या एक और छक्का आएगा? 2 में 2 ठोक डाले, एक और छक्का। देखिए शुरुआती 4 ओवरों में धीमी शुरुआत की थी मेहताब ने, मगर आते ही 5वें ओवर में स्लॉग ओवर के इस ओवर में 2 में 2 ठोक डाले, लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के आते हुए। फिर से एक बार गेंदबाज विजय सामना करेंगे मेहताब। इस बार उठाकर खेल दिया है, मौका बन सकता है यहां पर खिलाड़ी के लिए, और क्या छूटा, और ये सफलता तीसरा लेने के प्रयास में मोहम्मद अली आउट। अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल, 44 रन। 44 और इस बार तान दिया है हवा में, गेंद का मौका बन सकता है, खिलाड़ी मौजूद, और यहां पर कैच छूटा और ये गेंद 6 रन के लिए। देखिए क्यों इस खिलाड़ी को पावर पैक खिलाड़ी कहा जा रहा है, पिछले मैच के हीरो नौशाद यहाँ पर आते ही अपने बल्ले से छक्का जड़ते हुए, छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा 50 रन, 50 कम्स अप टीम रजा 11। अगली गेंद, एक और तान दिया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक और छक्का। अगली गेंद और एक और तान दिया है, इस पर तबाह मौका बन सकता है, गेंद हवा में है मगर खिलाड़ी को गेंद नहीं दिखी और वन बाउंस चौका। क्या चल रहा है मैदान के बीच, जहां तक इस ओवर की बात की जाए तो कुल मिलाकर रन लुटाए हैं 60 रन, 5 ओवर 60 रन इस ओवर में विजय को रन आए हैं यहां पर, कुल मिलाकर 31 रन दिए हैं इस ओवर में। इस प्रतियोगिता का सबसे महंगा ओवर विजय सोनावले का आता हुआ, कुल मिलाकर 31 रन दिए हैं अपने इस ओवर में। क्या हुआ,
बैटिंग पावर प्ले लिया जा रहा है यहाँ पर आखिरी ओवर में, जिसे करने के लिए आ रहे हैं सोनू, स्ट्राइक पर है मेहताब, नौ स्ट्राइक पर है मोहम्मद नौशाद, जिन्होंने आते ही अपने बल्ले से जलवे बिखेरे, जिसमें मोहम्मद नौशाद की पारी की जहाँ तक बात की जाए तो उन्होंने अब तक तीन गेंदों में 16 रन बनाए हैं। इस बीच हमारे बीच अमरनाथ नगर पालिका के माजी नगर सेवक सम्मानीय मनोज देवड़े, इनका यहाँ पर शाम के सत्र में आगमन हो चुका है, उनका भी हम यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। और ये देखना होगा दिलचस्प है यहाँ पर, और अंबा ने यहाँ पर आउट करा दिया है यहाँ पर, मगर स्ट्राइक पर आए मोहम्मद नौशाद। सोनू अगली गेंद जड़ में डाले हुए गेंद कर खोद कर निकाल दिया है यहां पर, दूसरा रन लेने का प्रयास, दो गेंदे दो रन मिलते हुए इस गेंद पर। अच्छी गेंद, गेंद जाकर शरीर को टकराई, डॉट गेंद। अगली गेंद तान दिया है यहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां पर अमोल मौजूद, दूसरा रन लेने का प्रयास और दो रन भी मिले। एक और अतिरिक्त रन, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, अच्छी शॉट, एक और नौशाद के बल्ले से आता हुआ फाइल लेके दिशा में चौका। नौशाद ने मानो आते ही अपने बल्ले से जिस तरह से यहां पर गेंदबाजों के खिलाफ धाबा बोला है, लगातार चौके और छक्के मानो आ रहे हैं मोहम्मद नौशाद के बल्ले से, इस चौके की मदद से आप स्कोर बढ़ता हुआ 69। अभी 20 ओवर की गेंदें शेष है, हाँ 69। आखिरी गेंद फिर से एक बार में, इस टाइम स्ट्रोक थी बल्ले के निचले हिस्से को लगकर गेंद गई यहाँ पर मिड विकेट की दिशा में, वहाँ पर जब तक थ्रो करके फील्ड करेंगे, इस बीच दो रन पूरे, तीसरा रन लेने का प्रयास, देखना होगा यहाँ पर और ये आउट। इसके साथ 6 ओवरों का खेल खत्म, वन शॉट एक रन शॉट, यानी कि इस गेंद पर केवल एक रनों का 5-6 ओवर के समाप्ति में 10 रन बनाए, 70 जीतने के लिए 71 रनों की जरूरत टीम वांद्रा पाड़ा को।
बोलिए ना अगली गेंद, पहली गेंद और यहां पर तान दिया है। पहली ही गेंद पर अमोल ने 6 रन जड़ दिए हैं। पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया है यहाँ पर। इस बार फिर से एक बार तान दिया है करीम बाबा के सिर के ऊपर से एक और चौका। 2 गेंदों में 10 रन, काफी आक्रामक शुरुआत। मैंने पहले ही कहा था अमोल एक आक्रामक बल्लेबाज है जिन्होंने आते ही अपने बल्ले से जोहर दिखा दिए है। लगातार 2 गेंदों में बड़े लंबे हिट्स, एक छक्का एक चौका, स्कोर पहुंचा 10 पर। अमोल इस बार फ्रंट फुट का इस्तेमाल, कदमों का इस्तेमाल कर खेलना चाहते थे। तेजी से डाली हुई गेंद अंदर आई, डॉट बॉल। सर क्या डिसीजन सर अंपायर? नो बॉल होगा क्योंकि स्क्वायर लेग की दिशा में 3 खिलाड़ी यहां पर रखे गए। अभय सर द्वारा नो बॉल। हाँ, अगली गेंद होगी फ्री हिट। इस बार तान दिया है मुबारक के सिर के ऊपर से एक और चौका। क्या बल्लेबाजी हो रही है मैदान में, मानो 71 रन का लक्ष्य का पीछा करने के लिए अमोल ने ठान लिया है कि ये मैच बॉल आ चुका है। सर अभी सर मैच बॉल आ रहा है, क्या ना फेंको फेंको। इस स्कोर पहुंचा 15 के रन पर। यहां पर 3 गेंदों में 15 रन दे चुके हैं गेंदबाज नौशाद। नौशाद ये वही गेंदबाज है जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 29 रन जड़े थे और गेंदबाजी करते हुए 2 ओवरों में 4 रन देकर 2 विकेट हासिल की थी, मगर यहाँ पर 3 गेंदों में 15 रन दे चुके हैं। अगली गेंद नौशाद, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, तान दिया है एक और छक्का। क्या हम बल्लेबाजी हो रही है मैदान के बीच, 2 छक्के 2 चौके, अमोल ऑन फायर। 4 गेंदों में 21 रन बना लिए है। अब यहां से समीकरण बदलता हुआ, 32 गेंदों में केवल 50 रन की जरूरत। अमोल ने पिछले मुकाबले में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी और उसी का नजारा इस इनिंग में भी दिखाते हुए।
अगली गेंद नौशाद, इस बार एक और शॉट, एक और छक्का, क्या बल्लेबाजी हो रही है मैदान में अमोल के बल्ले से। एक और छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा 27 पर। पूरी तरह से यहाँ पर निराशा छाई हुई यहाँ पर रजा 11 के सभी दर्शकों के चेहरे पर, नाखुश जो मुस्कान पहले इनिंग में आई थी रजा 11 के खेमे में, यहाँ पर चेहरे पे थोड़ी सी शिकन जिस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पर अमोल कर रहे हैं मैदान के बीच। नौशाद जो कि एक ट्रम्प कार्ड है इस टीम का, उसी गेंदबाज पर यहाँ पर धाबा बोल दिया है बल्लेबाज अमोल ने। वाकई में काबिले तारीफ बल्लेबाजी अब तक अमोल की। अगली गेंद, अच्छी गेंद, इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर का खेल यहाँ से खत्म होता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 27 रन बिना विकेट के नुकसान पर। नौशाद महराज आए हैं यहाँ पर गेंदबाजी के लिए। जड़ में डाली हुई गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया योगेश ने। योगेश जानते हैं कि लॉन्ग स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज अमोल है वो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि गेंदबाज महराज भी दाएं हाथ के गेंदबाज है, तो जो कोण मिलता है बाएं हाथ के बल्लेबाज को और जो हवा का रुख भी है उसी दिशा में चल रहा है। हवा पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है और उसी दिशा में अमोल काफ़ी अच्छे हिट लगा रहे हैं, इसी कारण यहाँ पर स्ट्राइक पर लाया गया है उन्हें। महराज अगली गेंद लेकर अमोल के लिए, और एक और बढ़िया शॉट खेल दिया है वहां, और ये गेंद 4 रनों के लिए। फिर से एक बार एक और चौका फाइनल की दिशा में अमोल के बल्ले से, मानो ऑन साइड की सभी। हाँ ये भी, इसके पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच थे अमोल, उसमें भी उन्होंने 28 रन की पारी खेली थी, 2 ओवरें की थी, अच्छी गेंदबाजी की थी, विकेटें हासिल की थी, और इस मैच में भी अपने बल्ले से जोर दिखाते हुए, और आज पहले इसी मुकाबले में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी की थी, पहले ओवर में 1 ही रन दिया था उन्होंने। इस बार और कद मौका इस्तेमाल, मौका बन सकता है मुबारक के लिए यहाँ पर, और अच्छा प्रयास मुबारक का, 1 रन पूरा, 2 रन लेने का प्रयास और 2 रन भी आसानी से पूरे। अगली गेंद लेकर मिराज यहाँ पर अब सामना करेंगे अमोल, और तान दिया है हवा में गेंद, मौका बन सकता है करीम बाबा, और ये देखिए बाबा ने क्या छोड़ दिया है, मौका बना था। आप जानेंगे यहाँ पर एक आज जो मैच शुरू होने से पहले जो किस्सा हुआ, करीम बाबा इसके पहले के मुकाबले में खेले नहीं थे और दूसरे मुकाबले के लिए वो टॉस उड़ाने के लिए वहाँ पहुँचे, और टॉस उड़ाने के कारण करीम बाबा को ये मुकाबला खेलने मिल रहा है। अगर वो टॉस उड़ाने के लिए वहां जाते नहीं तो अभी भी वो 12th मैन की भूमिका में होते, और उनके जगह पे वहां पर एक अच्छा खिलाड़ी होता, वो कैच लपक सकता था, मगर करीम बाबा का भी अच्छा प्रयास था मगर कैच को लपक ना पाया और अमोल जैसे बल्लेबाज को यहाँ पर जीवन दान दिया। करीम बाबा अंपायर को दिखा रहे कि देखिए यहां मेरे हाथों में गेंद लगी। अगली गेंद मिराज, शॉर्ट पेज गेंद, इस मरतबा स्क्वेयर कट कर दिया है, पॉइंट में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, एक और चौका अमोल के बल्ले से। केसीसी कप्तान टॉस बॉक्स में आकर खड़े रहिए। अगली गेंद, इस मरतबा तान दिया है फिर से एक बार, मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, और ये डायरेक्ट हिट,
कभी भी मामला हो सकता है, एम्पायर ने यहाँ पर तीसरे एम्पायर की ओर भेजा है यहाँ पर इस डिसीजन को। नॉट आउट, इसके साथ दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा यहाँ पर टीम 41 रन। अब यहां से 24 गेंदों में 30 रनों की जरूरत, 24 गेंदे 30 रन। बैटिंग पावर पे टेकन बाय बैटिंग टीम, बल्लेबाजी टीम ने यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले के लिए कहा गया। 41 रन, 30 रन चाहिए 24 बॉल में। चौबीस गेंदों में 30 रन जीतने के लिए स्कोर हुआ है दो ओवर के समाप्ति बाद 41-41। पहली गेंद डॉट, इस बार जड़ में डाली हुई गेंद खोद कर निकाला था और एक डॉट गेंद। अगली गेंद मोहम्मद, इस बार ऑफ स्पिन डालना चाहते थे मगर कवर के खिलाड़ी के सर के ऊपर से एक और चौका पढ़ लिया था बल्लेबाज ने कि ये जो लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है वो ऑफ स्पिन डालना चाह रहे हैं। अगली गेंद अमोल, शॉर्ट पिच गेंद फिर से एक बार हुक कर दिया है गेंदबाजी लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद एक रन। बल्लेबाज अमोल की बात की जाए तो कुल मिलाकर 44 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने अर्धशतक से 6 रन दूर। अगली गेंद मोहम्मद, नौशाद यही चाहते थे कि उनके खिलाफ कब राइटी बल्लेबाज आएंगे, क्योंकि जिस तरह से लेफ्टी बल्लेबाज ने उनकी धुनाई की है, जिस तरह से कोण के साथ उनके खिलाफ बल्लेबाजी देखने मिली हमारे हमें अमोल के माध्यम से, पूरी तरह से यहाँ पर धो डाला था पहले ओवर में नौशाद को।
अगली गेंद नौशाद। इस मरतबा रिवर्स शॉट मारने का प्रयास, ओवर की समाप्ति, तीन ओवर का खेल यहां से खत्म, तीन ओवर की समाप्ति बाद 46 अब जीतने के लिए 18 गेंदों में 25 रन की जरूरत। हेलो, क्या कर रहे सर, कभी निकलो। अरे क्यों, पाँच चल रहे थे, जल्दी निकल दो। हाँ क्या बोलने का, अभी तक पाँच ही मैच चल रहे हैं। अभी आज भी सुबह तो 5 बजे करता है, 5:30 बजे करता है। नहीं नहीं बात वो नहीं है, कल क्या सीन हुआ, कल 14 बजे होने वाली थी, पहले सुबह से वही फर्स्ट शिप वाले कल 6 मैचे करके भाग गए थे, हम 8 मैचे कर लेंगे। नहीं नहीं वही वही, चलो ठीक है, 7:30 बजे आता हूँ मैं उधर। नहीं नहीं 7:30 बजे आऊँगा, मेरे इधर अभी एक और मैच बाकी है, कंप्यूटर जिधर कर रहा हूँ मैं, और अभी सर जिधर पहुँच जाऊँगा मैं मैच के पहले आपको। वैसे भी 8 बजे के, वो 8 मैच के लिए, 7 मैच के लिए। हाँ अगली गेंद मिराज, जीतने के लिए अब यहां पे जरूरत है 49 हुए हैं यहां पर। इस बार बाहरी किनारा मौका बन सकता है कि गेंद तक पहुंच पाएंगे खिलाड़ी नौशाद, 1 रन, 50 रन पूरे हुए यहां से, अब जीतने के लिए केवल 21 रनों की जरूरत। गेंदें शेष है इस इनिंग में, 15 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। 50 रनों की साझेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, और यहां पर अर्धशतक से केवल 3 रन दूर अमोल बल्लेबाज। और इस बार मिस फील्डिंग हो रही है, और एक और चौका, बैट कट सर, और ये देखिए लेग बाय इसका चौका आता हुआ। अब यहां से रन पहुंचा 54, आप समीकरण 17 रनों की जरूरत 14 गेंदों में। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे, डॉट बॉल। फुल टॉस गेंद खेल दिया है यहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में, एक और चौका इसके साथ 50 रन पूरे बल्लेबाज के, 50 कम्स अप। बल्लेबाज से निवेदन है कि आप अपना बल्ला दिखाए, और एक बार जोरदार ताली हो जाए अमोल के बल्लेबाजी के लिए। अब यहां से समीकरण 12 गेंदों में 13 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 13 रन।
12 बॉल 13 रन, गेंदबाजी के लिए आए हैं यहाँ पर गेंदबाज मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन जल्द से जल्द गेंदबाजी मुकाबला शुरू करें सर। बारह बॉल 13 रन मोइनुद्दीन। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल, तान दिया है, खिलाड़ी मौजूद, मिस फील्डिंग, गेंद नहीं रुकेगी, गेंद गई सीमा रेखा बाहर, एक और चौका योगेश के बल्ले से, अब समीकरण 9 रन 11 गेंदे। धीरे धीरे यहाँ से रुख्सत लेते हुए रजा इलेवन के सभी समर्थक जिनके चेहरे पर यहाँ पर हार की शिकन दिखाई देती हुई, मगर अभी भी कम बैक कर सकती है टीम रजा इलेवन। मगर पहले जिस तरह से मोहम्मद नौशाद ने 27 रन खर्च किए अपने पहले ओवर में, उसके बाद पूरी तरह से चित परिचित अंदाज में यहाँ पर अमूल ने बल्लेबाजी की और पूरी तरह से रजा इलेवन की आशा को निराशा में बदल दिया। सभी दांतों तले उंगलियाँ दबाते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देते हुए रजा इलेवन के समर्थक काफ़ी ज़्यादा तादाद में आज के दिन हमें रजा इलेवन टीम के समर्थक दिखाई दिए गए हैं, जिनका अपनी टीम के लिए सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में आए हैं। अगली गेंद मोइनुद्दीन, इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा देखना होगा, वाइड बॉल, वाइड प्लस वन। पांच रन हो चुके हैं, यहां से केवल 6 रन की जरूरत, 10 गेंदों में 6 रन चाहिए। इस मरतबा तान दिया है, गेंद हवा में, मुबारक के लिए मौका, क्या मुबारक कैच लपक पाएंगे, मिस फील्डिंग। जिस बीच यहाँ पर अरुण जी पाटिल, इनके सुपुत्र सन्मानीय तुषार जी पाटिल, यहाँ पर इनका आगमन हुआ है, एकता चषक 2024 दूसरा दिन शाम के सत्र पर हमारे मान्यवर यहाँ पर मौजूद सन्मानीय अरुण जी पाटिल, इनके सुपुत्र तुषार जी पाटिल। फुल टॉस, गेंद तान दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका, स्कोर आर लेवल, 1 रन चाहिए अभी जीतने के लिए। चलिए विजय सवना ने टॉस में आकर हमसे जुड़े, टीम केसीसी और बांद्रा पाड़ा। इस मरतबा थान दिया है, एक और लंबा हिट योगेश के बल्ले से आता हुआ, गेंद गई यहाँ पर 6 रनों के लिए। इसके साथ इस मुकाबले को जीत लिया टीम वांद्रापाड़ा ने, और आज के दिन का आखिरी मुकाबला यानी कि टॉप 3 के लिए मुकाबला होगा। मैन ऑफ द मैच है इस मैच के अमोल, नो डाउट, जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली। मनोज जी देवड़े, माजी नगर सेवक, अंबरनाथ नगर परिषद, इनके हाथों से यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी दी जाएंगी। अमोल के लिए जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली, और मुबारक के चेहरे पर यहाँ पर थोड़ी सी निराशा दिखाई देती हुई, नाखुश, क्योंकि उनके टीम को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। मैं विजय से निवेदन करूँगा कि आप टॉस के लिए जल्द से जल्द टॉस बॉक्स में आकर हमसे जुड़े।